नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 8 जून। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या हुई 5000 के पार। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए दूसरे अपडेट तक 239 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 5070 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 1, औरंगाबाद में 1, बांका में 2, भागलपुर में 14, भोजपुर में 8, बक्सर में 4, गया में 9, गोपालगंज में 2, जमुई में 1, जहानाबाद में 1, कैमूर में 2, कटिहार में 2, खगड़िया में 5, किशनगंज में 8, मधुबनी में 1, मुंगेर में 15, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 4, नवादा में 9, पश्चिम चंपारण में 19, पटना में 6, पूर्वी चंपारण में 3, पूर्णिया में 4, रोहतास में 4, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 15, सारण में 4, शेखपुरा में 3, सीतामढ़ी में 10, सिवान में 8, सुपौल में 36, वैशाली में 2 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड 19 से 2405 मरीज हुए ठीक। बिहार में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत अब तक बिहार में कुल मिलाकर 99108 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से 4900 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अब तक कोविड 19 की वजह से 2405 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। इसके साथ ही अब तक कोविड 19 की वजह से 30 लोगों की जान चली गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोविड 19 की जांच में बढ़ोतरी करने का आदेश जारी किया है। अक्सर बहुत लोगों को अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से कई बार हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है, मगर अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डिक्शनरी ऐप के माध्यम से आपकी यह परेशानी चुटकियों में सुलझ जाएगी। बस आपको यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर सेटिंग में जाकर मैजिक ट्रांसलेट को इनेबल करना होगा, फिर उस मैसेज पर जाकर आपको टैप करना होगा, जिसके बाद ऑटोमेटिकली वह मैसेज हिंदी या अंग्रेजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को ग्रामर की समस्या है तो इसमें बस आपको मैजिक ग्रामर फीचर को इनेबल करना होगा, उसके बाद आपके लिखे गए वाक्य में ग्रामर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो बिना वक्त गवाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यू डिक्शनरी ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड करें। बिहार के अनिल किशोर को बनाया गया ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले अनिल किशोर को ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष के पद का कार्यभार सौंपा गया है। इतने ऊंचे पद पर उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले भारतीय बने हैं। वहीं आपको बता दें, अनिल किशोर ने SBI उपप्रबंध निदेशक और मुख्य जोखिम का पद भी संभाल रखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2009 से 2014 तक बैंक के सिंगापुर प्रमुख का कंट्री हेड और CEO के रूप में नेतृत्व भी किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ब्रिक्स राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक संस्थान है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। उत्तर प्रदेश के सटे बिहार के 10 जिलों में टिड्डी दल के आने की बढ़ी आशंका। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बीते दिन बिहार के 10 जिलों में टिड्डियों के आने की आशंका जताई है, जिसके तहत कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण में सतर्क रहने के अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही आवश्यक तैयारियां पूरी करने का ऐलान भी जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, इन सभी जिलों के सभी पंचायतों में टिड्डियों के आगमन से संबंधित जानकारी भी साझा कर दी गई है। इसके साथ ही प्रेम कुमार ने यह भी बताया है कि बिहार के जिलों के पंचायतों में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 24 पंचायत में इसकी पूरी प्रक्रिया का समापन भी जल्द ही होने वाला है। बिहार में 11 जून तक आ सकता है मॉनसून। बिहार में मॉनसून आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार इस बार बिहार में 11 से 13 जून के बीच मॉनसून के आने की संभावना जताई गई है। प्री मॉनसून अब तक अच्छी हुई बारिश और केरल में अपने तय समय पर मॉनसून के प्रवेश के बाद इस बार बिहार में भी अच्छी बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 11 से 13 के बीच में बारिश की शुरुआत हो जाएगी। वहीं 20 जून तक पूरे बिहार में अच्छी बारिश होने लगेगी। हालांकि मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में आने वाले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना भी जताई है। तेजस्वी यादव ने राबड़ी और तेज प्रताप के साथ बजाया थाली। भाजपा द्वारा वर्चुअल रैली के आयोजन के बाद राजद ने भी थाली बजाकर अपना विरोध प्रकट किया है, जिसके तहत बीते दिन थाली बजाओ अभियान के तहत सुबह 11 बजे ही पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में राजद कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से थाली बजाई है। पटना में इस कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार और केंद्र सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी भी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार गरीबों और मजदूरों को परेशान कर रही है और यही कारण है कि 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे वक्त में जब भाजपा को लोगों की मदद करनी चाहिए तो वह डिजिटल रैली के माध्यम से अपना चुनावी आगाज कर रहे हैं। वर्चुअल रैली के दौरान अमित शाह ने लालू परिवार समेत कई बातों पर दिया जोर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन वर्चुअल रैली का आगाज किया था, जिसके बाद उन्होंने बिहार के लोगों को संबोधित किया। वहीं उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कई सारी अहम बातें भी कही है, जिसके तहत उन्होंने लोकतंत्र में बिहार की भूमिका का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा कि हम लालटेन राज्य से LED युग में आ गए हैं, जंगल राज से जनता राज तक पहुंच गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्चुअल रैली पहले राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं का ताली बजा करके और थाली बजा करके हमारा स्वागत किया है।
बिहार में 1 जुलाई से बालू के खनन का काम होगा बंद। बिहार में 1 जुलाई से बालू खनन का काम बंद हो जाएगा। एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक नदियों में बालू का खनन नहीं किया जा सकता है। हालांकि बंद के दौरान 2 महीने तक बालू के खनन की प्रक्रिया बाधित रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस बार राज्य में बालू की किल्लत का होना तय माना जा रहा है। क्योंकि लंबे समय से बालू खनन की कमी होने की वजह से स्टॉक में कमी आ गई है, वहीं 1 जुलाई से खनन का काम रुकने के बाद बालू की किल्लत हो सकती है। जदयू कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू किया संवाद। बिहार में विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही महीने बचे हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड 19 के इस माहौल में साथ ही चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता से संवाद करने का ऐलान जारी किया था, जिसके तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीते दिन से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना शुरू कर दिया है। जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान क्वारंटाइन सेंटर में किस तरह का इंतजाम करने की और ज्यादा जरूरत है, इन बातों पर चर्चा की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को तैयार करने के दिए दिशा निर्देश। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीते दिन हुए मीटिंग के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एचआर श्रीनिवासन ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन बैठक करते हुए ईवीएम को दुरुस्त करने की बात कही थी। साथ ही मतदान केंद्रों के लिए नए भवनों को चिन्हित करने का काम भी करने का निर्देश जारी किया था। इसके लिए बीते दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ सभी के पदाधिकारियों से बातचीत की है। आज से बिहार के अधिकतम ऑफिस, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धर्म स्थल को खोल दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक बिहार सरकार ने आज से सूबे में ऑफिस, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि सभी के ऊपर पूरी तरीके से एहतियात के नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए विभाग सचिव सुनील कुमार ने बताया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ऐसे सारे स्थानों को खोलने की मंजूरी देने का फैसला लिया है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और फैकल्टी को ट्रेन करेगा कानपुर आईआईटी। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए अहम सूचना। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और फैकल्टी को आईआईटी कानपुर नई तकनीक और सॉफ्टवेयर के लिए प्रशिक्षण देगा, जिसके तहत पहले चरण में छात्र और फिर फैकल्टी को इससे जोड़ा जाएगा। वहीं अगले सप्ताह से शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण का मकसद छात्रों को नई तकनीक और सॉफ्टवेयर से रूबरू कराना होगा, ताकि आगे जाकर उन्हें प्लेसमेंट में मदद मिल सके। भाजपा की वर्चुअल रैली पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी अपनी राय। भाजपा द्वारा बीते दिन वर्चुअल रैली का आयोजन के बाद विपक्षी दलों की बयानबाजी भी लगातार जारी है। इसी क्रम में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अमित शाह का भाषण बकवास से शुरू हुआ और बकवास के साथ ही खत्म हो गया है। इनके भाषण में बिहार के लाखों गरीब छात्रों की पढ़ाई, नौजवान व मजदूर कमाई, रोजगार, बुजुर्ग और असहाय किसान, सिंचाई, दोगुनी आमदनी पर कोई खास चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने बस सरकार का गुणगान गाया है, असल मुद्दों पर तो उन्होंने बातचीत ही नहीं की। राजद द्वारा थाली बजाने के बाद जदयू सांसद ललन सिंह ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीते दिन अमित शाह की वर्चुअल रैली के दौरान राजद पार्टी के नेताओं ने भी थाली बजाकर अपना विरोध प्रकट किया था, जिस पर जदयू सांसद ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं तक लगातार संवाद कर रहे हैं। वहीं कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के कारण चुनाव प्रचार भी जोर शोर से करवाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, मगर तेजस्वी यादव अभी फिलहाल थाली बजा रहे हैं। चुनाव के बाद भी वो यही करेंगे। लोकसभा चुनाव के इस तरह से विधानसभा चुनाव में भी इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। केंद्र सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने के संबंधित दी जानकारी। कोविड 19 के इस माहौल में जहां बंद के नियमों में छूट दी जा रही है, वहीं शिक्षण संस्थानों को खोलने पर भी सोच विचार किया जा रहा है, जिसके तहत बीते दिन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार स्कूल और कॉलेज को अगस्त के महीने के मध्य में खोलने पर सोच विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि पहले ग्रीन और ऑरेंज जोन में शैक्षणिक संस्थान को खोला जाएगा, उसके बाद स्कूल को हर जोन में खोलने पर सोच विचार किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों को 2 पालियों में खोले जाने के संकेत दिए गए हैं। 15 जून से पटना के पीपा पुल पर परिचालन होगा बंद। पटना के सभी पीपा पुल पर 15 जून से परिचालन बंद करने का फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत राज्य पुल निर्माण निगम के आदेश जारी कर दिया है। खबरों की माने तो राज्य पुल निर्माण निगम ने यह आदेश मॉनसून को ध्यान में रखते हुए लिया है, जिसके तहत विभाग का कहना है कि 15 जून से सभी पीपा पुल पर परिचालन बंद हो जाएगा। इनमें महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गायघाट पीपा पुल, दानापुर में दानापुर पीपा पुल समेत सभी पीपा पुल शामिल है। हालांकि इन पीपा पुलों पर परिचालन कब से शुरू की जाएगी, इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है।
बिहार विकास मिशन ने 46 पीआर एक्सपर्ट और अन्य पदों के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार विकास मिशन ने स्ट्रक्चरल डिजाइन एक्सपर्ट, ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट, बैंकिंग एक्सपर्ट, रिट्रोफिटिंग एक्सपर्ट और अन्य पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन की मांग की है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 20 जून तक या उससे पहले इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। नई पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप बिहार विकास मिशन की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.bvm.bihar.gov.in पर जाकर ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के पूरा होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। शिक्षक संघ ने बिहार सरकार को याद दिलाया वादा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने बीते दिन बिहार सरकार को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिलाया है, जिसके तहत बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार को तत्काल शिक्षकों से बातचीत करनी चाहिए। सरकार के वादे के मुताबिक स्थिति सामान्य होने पर बात करने की, शिक्षकों की मांग पर विचार करने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था। आपको बता दें, बिहार सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि सड़कों पर जारी विरोध के उठने के बाद सामान्य स्थिति होने पर शिक्षक संगठनों से विचार विमर्श किया जाएगा। IGIMS में अब हर दिन हो सकती है 1000 COVID-19 सैंपल की जांच। IGIMS में हर दिन 1000 COVID-19 के सैंपल की जांच की जा सकती है, क्योंकि यहां बीते दिन RNA एक्सट्रैक्शन मशीन का उद्घाटन किया गया था। सिर्फ यही मशीन नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर मशीन समेत कई मशीनों का उद्घाटन भी किया गया था, जिसके बाद अब IGIMS में 1000 सैंपल की जांच करने की संभावना बढ़ गई है। पहले यहां पर 250 से 300 के बीच में जांच की जाती थी। अमित शाह ने अगला चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होने का किया ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने बीते दिन बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद फूंक दिया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन बिहार में वर्चुअल रैली का संबोधन किया था, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही करवाने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद पटना के मंच से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अमित शाह के सम्मान में स्वागत भाषण किया। वहीं उसके बाद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया। पप्पू यादव ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीते दिन से सोशल मीडिया कैंपेन बिहार बचा लो मौका है की शुरुआत की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बंद में 500 लोगों की COVID-19 की वजह से जान चली गई है। बंद में छोटे और मंझोले व्यापारी का कारोबार बंद हो गया है। सरकार ने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। विराट कोहली से दोस्ती पर केन विलियमसन ने दी अपनी प्रतिक्रिया। विराट कोहली और केन विलियमसन की दोस्ती जग जाहिर है। कुछ दिनों पहले ही कोहली ने विलियमसन के साथ एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें दोनों की दोस्ती साफ साफ देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अब केन विलियमसन ने विराट कोहली के साथ दोस्ती पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने विराट कोहली के साथ खेला है। युवा अवस्था में ही उनसे मिलना और फिर क्रिकेट में कोहली को इस मुकाम तक पहुंचते देखने का अनुभव शानदार रहा है। आरोग्य सेतु ऐप बना दुनिया के 10 सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बीते दिन ट्वीट करके बताया है कि COVID-19 संक्रमण से बचाव के लिए जानकारी देने वाला सरकारी ऐप आरोग्य सेतु दुनिया के 10 डाउनलोड किए गए मोबाइल ऐप में से एक बन गया है। इसके आगे उन्होंने यह भी बताया कि आरोग्य सेतु पेश किए जाने के बाद मई में लगातार दूसरे महीने दुनिया भर में शीर्ष 10 डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल ऐप में से एक बन गया है। आपको बता दें, आरोग्य सेतु ऐप COVID-19 के इस माहौल में काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ है। टिकट बुकिंग करते समय रखें कुछ खास बातों का ध्यान। COVID-19 के बढ़ते माहौल के कारण शुरू हुए रेलवे के परिचालन के बाद इंडियन रेलवे ने रिजर्वेशन फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब यात्रियों को टिकट बुकिंग कराने के दौरान अपने गंतव्य की पूरी जानकारी रिजर्वेशन फॉर्म में देनी होगी, जिसके तहत अब सभी यात्रियों को गंतव्य का पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, गली नंबर समेत सारी जानकारी इस फॉर्म में भरनी होगी। उसके बाद ही यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं, सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही अब ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सोनू सूद को दिया धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चार्टर्ड विमान के माध्यम से बंद के दौरान महाराष्ट्र और आसपास के इलाके में फंसे प्रवासियों को वापस उनके घर भेजने के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद का धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्हें COVID-19 के खत्म होने के बाद पहाड़ी राज्य में आने के लिए आमंत्रित भी किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद के माननीय कृत्य के लिए उनका शुक्रिया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है मोहम्मद नौशाद, काजल कुमारी, नंदकिशोर कुमार, आरती करण, बैजू कुमार, अंजय कुमार, बबीता यादव, धनंजय कुमार, रिंकी निराली, निकी गुप्ता, दिनेश कुमार, पवन कुमार यादव, स्वर्ण, प्रिया सिंह, शेखर सैनी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, घर से बाहर निकलने के दौरान COVID-19 से बचाव के लिए आप कौन कौन से कदम उठाते हैं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।